बहुत प्यार मिला वहाँ से भी मिला और हमने भी प्यार दिया उन्हें। जीजी भाई मुझे बताइएगा कि आपका एक डायलॉग बहुत मशहूर था, रश पा देंगे रश। अमेरिका जाके आपने जो फिल्म की है वहाँ कितना रश डाला है? जिनजोत पाजी ने ये स्पेशल ये जो मेरा वर्ड था ये अपनी मूवी में डाला और बहुत अच्छी टाइमिंग पे ये यूज हुआ है। आपको अंदाजा था जब आप ये फील्ड में आए थे कि आने वाले वक्त में आप हिंदुस्तान में जाकर इतनी बड़ी कास्ट के साथ ही मूवी करेंगे और आप खुद इतनी बड़ी कास्ट में? ये तो ख्वाब ही होता है, एक इंसान ख्वाब देखता है तो अल्लाह ताला होता है जो उसे पूरा कर देते हैं। वो तो कहते हैं जी एक्टर जो है पैदा पाकिस्तान में होता है तो उसे तराशा इंडिया में जाता है। जी विकी साहब, आप पाकिस्तानी स्टेट ड्रामा से इंटरनेशनल मूवी में गए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत मजा आया जी। पहले हम चोर दिल मूवी करके आए थे और आप मूवी की है एनी हाउ मिट्टी पाओ। जी जी। और एनी हाउ मिट्टी पाओ जो है ये 6 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, ठीक है, तो उसके बाद इंशाल्लाह चोर दिल भी रिलीज। सर विकी भाई, आप पाकिस्तान के सुपरस्टार बन चुके हुए हैं, हर बंदे का जो है क्रूशियल टाइम होता है, तो आपको वो टाइम भी याद है जब आपने स्ट्रगल की थी और आज आप सुपरस्टार हैं? जारी बात, स्ट्रगल करके बंदा आगे आता है ना जी, तो बड़ी खुशकिस्मती है हमारी, हम बड़े लोगों में काम कर रहे हैं। जब आप वहाँ पे गए क्या जज्बात थे आपके, जब आप वहाँ पे फर्स्ट टाइम उन लोगों को मिले और वो लोग आपको मिले? बहुत प्यार मिला वहाँ से भी मिला और हमने भी प्यार दिया उन्हें। अक्सर ड्रामों में आप जुगतबाजी करते हैं और आपके जुगते जो है स्टेटस पे लोग लगाते हैं, वहाँ भी जाके आपके जज्बात कंट्रोल में थे कि वहाँ पे भी जुगते मारी? बड़ी जुगते हुई है अगर आप देखेंगे। जीजी भाई मुझे बताइएगा कि आपका एक डायलॉग बहुत मशहूर था, रश पा देंगे रश। अमेरिका जाके आपने जो फिल्म की है वहाँ कितना रश डाला है? जी जनजोत पाजी ने ये स्पेशल ये जो मेरा वर्ड था ये अपनी मूवी में डाला और बहुत अच्छी टाइमिंग पे ये यूज हुआ है और इंशाल्लाह आपको देख के बड़ा मजा आएगा। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, पहली दफा आपने मूवी की है और पाकिस्तान में आपने इससे पहले कोई मूवी की थी? जी पाकिस्तान में मूवी की थी सन 2000 में गुंडा टैक्स, उसमें मैडम नरगिस के साथ मेरा पेयर था, गाना भी था थोड़ी सी लिफ्ट करा ले। आपको अंदाजा था जब आप ये फील्ड में आए थे कि आने वाले वक्त में आप हिंदुस्तान में जाकर इतनी बड़ी कास्ट के साथ ही मूवी करेंगे और आप खुद इतनी बड़ी कास्ट में? ये तो ख्वाब ही होता है, एक इंसान ख्वाब देखता है तो अल्लाह ताला होता है जो उसे पूरा कर देते हैं। सर आपको जो वहाँ पे जो मुआवजा मिलता है इंडियन अदाकारों के मुकाबले में, आपको आपकी चॉइस के मुताबिक मिला वहाँ? बेहतरीन, जो हमारी डिमांड थी वो उन्होंने पूरी। और जो कास्ट क्या क्या थी? बी एन शर्मा साहब, करमजीत मोल पाजी और बड़े अच्छी कास्ट है ये। अच्छा, हरीश वर्मा बड़े आड़ आड़ के लै रहे हो कि होते भी हैं? बड़े औखे नाण है ना ये पंजाब, एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार करना चाहिए। एक आखिरी क्वेश्चन ये बताइएगा कि पाकिस्तानी एक्टर इंडिया की तरफ जा रहे हैं, क्या ये इस चीज का साइन है कि पाकिस्तान में सिनेमा खत्म हो रहा है पंजाबी सिनेमा? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ये दोबारा उजाला होगा, वहाँ के आर्टिस्ट है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी आएंगे, ये हमारी कोशिश है जो हमें करनी चाहिए। तो पाकिस्तान में ऐसे मजबूत एक्टर आपको नजर आते हैं जो पंजाबी सिनेमा को बरकरार रख सकते हैं? हैं ही मजबूत एक्टर, वो तो कहते हैं जी एक्टर जो है पैदा पाकिस्तान में होता है तो उसे तराशा इंडिया में जाता है। क्या बात है मदनी साहब, क्या कहना जी जी। विकी भाई ये बता दें कि आपकी हाइट पे जो है तो आप अपनी हाइट में लाजवाब है, अपनी हाइट पे कभी वहाँ पे इंडिया में जाके किसी ने कुछ आपको जुगत शोध मारी, आपने भरपूर जवाब दिया? पहले नंबर तो पे तो मैं अपनी हाइट को ऐसा से कंपनी का शिकार समझते नहीं हूँ, ये मुझे गॉड गिफ्ट है, ये अल्लाह ताला ने मुझे गिफ्ट दिया और सब आप भाई मुझसे प्यार करते हैं, ये अल्लाह पाक का बड़ा। फिल्म में जो डायलॉग थे वो कुछ आपने अपनी फिल्म भी थी अपने पास से भी अदा किए कि स्क्रिप्ट के तौर पर आपने किया? नहीं, ये जनजोत पाजी ने सारा कुछ किया है जो उन्होंने सारा कुछ बताया, ऐसे ऐसे करना है हम करते गए। थैंक यू सर।